मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हीरो मटेरियल बच्चे नहीं दे पाई। देखो ना भाई साहब, क्या किया इन दोनों ने, हमारा एमएमएस बना दिया। कल से तुम लोग एक्टर की जिंदगी जियोगे। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हमको थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। एक्टिंग जम ना रही है विकी को। इडियट है मेरा बनना, इडियट है मेरा बनना, इडियट है मेरा बनना, इडियट है मेरा बनना। पार्टी तो कर रहे थे, जबरन ही मुकेश को पेल दिया। ऐसा कौन सा गॉडफादर होता है, पता नहीं क्या क्या करवाते रहता है। नवाज भाई को एक्टर बनाना है, रियल एक्टर। गांजा फूकने से क्रिएटिविटी आती है, अपने बच्चों को गांजा फूकवाता है क्या, कभी देखा है? भगवान ऐसा गॉडफादर किसी को ना दे। डोंट टॉक शिट ब्रो, भगवान ऐसा गॉडफादर सबको दे। अगर तुम्हारा गॉडफादर तुम्हें एक्टिंग करवाता है, वो तुम्हें एक्टर बनाना चाहता है, कोई प्रोडक्ट नहीं। दुनिया की जली कटी कटी जली देगा लाइक भी नहीं बोलता है वो। He works for you guys. He's working really hard for you. यहाँ तो हाल ऐसा है, जिम करो, बॉडी बनाओ, जुम्बा करो जुम्बा, हाँ, और स्लाइडिंग सीखो, जिमनास्टिक सीखो, और जब हो जाए तुम्हारे सिक्स पैक्स तो बन जाओ। एक्टिंग कोई बात ही नहीं करता यार, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ यार। मैं भी चाहता हूँ मेरे भी कोई गॉडफादर हो, मुझे एक्टिंग सिखाए। उसका सपना क्या है, वो तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता है कि तुम उसके लिए ऑस्कर ला सको। सर नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप एक रियलिस्टिक फिल्म प्रोड्यूस कर देना तो देश के लिए पक्का ऑस्कर ले आएगा। हाँ देखिए भाई अनुराग जी, बात ऐसी है कि ये होता है आपकी फिल्म का बजट। उसमें से ये गया आपका प्री प्रोडक्शन,
ये गई आपकी मेकिंग और ये गया आपका पोस्ट प्रोडक्शन, पीएनए, मार्केटिंग, फलाना फलाना फलाना, और ये रहा आपका नवाज। कौन देखेगा नवाज को? जब तक इंडस्ट्री में आप जैसे प्रोड्यूसर बैठे हैं ना, तब तक इंडियन फिल्म्स कभी ऑस्कर नहीं जीत सकते। अरे अब तो बुरा मान, कोई दिक्कत नहीं, हम उठ जाते हैं। अरे भाई इरफान, भाई खाना लगा दो बेटा। दीमक पाल रखी है फिल्म इंडस्ट्री ने, ऑस्कर के लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ऑस्कर ना जीतो तो सभी गालियां देते हैं। अरे ऑस्कर विनिंग एक्टर पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, गांजे से, क्रिएटिविटी से। ये फिल्म प्रोड्यूस क्या होता है भाई साहब? फिल्म प्रोड्यूस मतलब बैनर होता है, पर बैनर देने में तो इनकी नानी मर जाती है। पर बैनर तो बैनर होता है ना भाई साहब? क्यों नहीं होता? कुछ गलत बोला क्या भाई साहब? ऑस्कर के लिए स्टेज एक्टिंग नहीं होती, वो कैमरा एक्टिंग होती है। कैमरा एक्टिंग में तीन तरह के शॉट होते हैं, मिन, मास्टर, मिड, क्लोज। मास्टर हमेशा वाइड होता है और मिड जो है वो यहीं तक होता है और क्लोज होता है वो ऐसा होता है। ताऊ जी, ये जो मेन हीरो होता है ये तो प्रोड्यूसर का बेटा होता है, लेकिन जो ये बाकी के कैरेक्टर होते हैं इन्हें कौन लेता है? सही, ये कास्टिंग डायरेक्टर करता है। कास्टिंग डायरेक्टर ही सारे कास्टिंग करता है, सारे कैरेक्टर फाइनल करता है। ओह, कास्टिंग डायरेक्टर। और वन टेक शॉट देना मुश्किल है पर असंभव नहीं। रे मुकेश इधर आ। नहीं ताऊजी नहीं। क्या ताऊजी? नहीं थी। और असली कैमरा ऐसा। इसमें करनी है ऑस्कर, इसी से लाना है। आज तो ताऊ जी का सपना पूरा हो गया। थिएटर में हर साल कोई ना कोई अवार्ड लाता ही है, मेरा सपना तो तब पूरा होगा जब ये देश के लिए ऑस्कर लाएगा। गॉडफादर, गॉडफादर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो जब अब मैं थिएटर का बेस्ट एक्टर बन गया हूं तो आगे की ट्रेनिंग के लिए मुझे एनएसडी जाना होगा। ट्रेनिंग भी वहीं होगी और कोच भी वहीं का होगा।
सही लग रहे हो भैया, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। पर तेरे गॉडफादर को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। माँ, एक्टिंग ऐसे बंद के नहीं होती है। वहाँ तो हम गेम भी खेलते हैं और मन का खाते भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं। हमारे कोच सर ने तो कुछ नहीं बोला, वो तो इतने बड़े कोच हैं। बेटा वहाँ जो करना है कर, बस यहाँ थोड़ा संभल कर। आ गया एक्टर, कैसी चल रही है ट्रेन? इसको शूल फिल्म में एक रोल मिला है। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है गॉडफादर। नई मेथड, क्रिएटिविटी, सब कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि विकी को भी कुछ सिखा के जाऊँ। तूने स्टाइलिंग करा ली? अच्छा यार नवाज, एक बात बताओ, बॉल लेकर के घूम रहे हो, ये तुम्हें एनएसडी में एक्टिंग की जगह पे क्रिकेट सिखा रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये ना फोकस और कंसंट्रेशन की नई टेक्निक है। नवाज भाई, कंसंट्रेशन का गेम तुमने गॉडफादर ने भी सिखाया था। गॉडफादर की टेक्निक अब पुरानी हो गई है, ऑस्कर जीतने के लिए ये नई टेक्निक है। इसको बॉल को पकड़ने के साथ साथ काउंट भी करते हैं, ठीक है? ये क्या गलत है मेरे टेक्निक में भाई? नहीं गॉडफादर, ये नई टेक्निक है। मैं रेडी नहीं था गॉडफादर। तो अब रेडी हो ले। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ भैया। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो बताना ही था ना कि गॉडफादर का मेथड पुराना हो गया है। इसी मेथड के चलते आप एनएसडी में सेलेक्ट हुए थे। पर ऑस्कर के लिए पुराने मेथड नहीं चलेंगे। मेथड पुराना नहीं है, उम्र की वजह से मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है बस। मैं दुआ करूंगा कि तू एनएसडी में सेलेक्ट हो जाए। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप ऑस्कर जीत जाओ। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम, जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हर दम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। विक्की की एक्टिंग ठीक चल रही है पर नवाज ठीक नहीं है।
सरफरोश, मुन्ना भाई, शूल जैसी फिल्मों में कैमियो कर करके बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया है। आप प्लीज उससे एक बार बात कर लीजिए। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है, आस हारी हुई क्यों सवाल का उठा सा दिल में जी। बोलिए। हाँ, मिनू नू है कुछ? ऐसे एक्टिंग करेगा, ऐसे एक्टिंग करी जाती है तो ये एक्सप्रेशन का तो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था। 40 मिनट 30 सेकंड। जी गॉडफादर। शूल की सीडी लगा? लगा दी। अब 40 मिनट 30 सेकंड पे पॉज कर। कर दिया। अब देख, पूरी फुटेज तूने ले रखी है, घुस गया प्रोफाइल दिखाने में। अरे इम्प्रोवाइज तो कर सकता था ना तू? ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा था भाई, तू कुछ और ही कर रहा था तू। देखो भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तुम्हारी शक्ल ना लीड के लायक नहीं, इसलिए लीड के सपने देखना तो बंद करो। लीड तो इरफान खान ही करेगा इस साल। सपोर्टिंग रोल करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलो जाओ। अबे रोएगा ही या कुछ बोलेगा भी? हैं? ऐसे कैसे सपोर्टिंग रोल दे रहे हैं तुझे? तू सपोर्टिंग रोल नहीं करेगा, तू लीड करेगा और लाएगा ऑस्कर देश के लिए। तू रोना बंद कर, मैं आ रहा हूं। ताऊजी, 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 मैं कह रहा था कि तू तो कसैली निकाल के बात क्या कर पहले। ताऊजी मैं ये कह रहा था कि ताऊजी मुझे भी अपने साथ में चलते। तू क्या करेगा चल के? ताऊजी मैं ना आपके सारे काम करते करूंगा, ये स्क्रिप्ट टाइप कर दूंगा, ये सपोर्टिंग रोल भी कर ले करूंगा। ताऊजी आपके कच्चे बनियान में धो दूंगा, गांजे भी ले आया करूंगा, जॉइंट रोल कर दूंगा आपके लिए। ताऊजी कास्टिंग भी कर लूंगा। एक्शन। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजल। तुम्हारी ये फिल्म हम पास नहीं कर सकते। क्यों सिंह सर? अबे इसमें फिल्म कहाँ है? भर भर के तुमने गंदी गंदी गालियां भर रखी हैं। लेकिन गाली तो और भी फिल्मों में होती है। अबे तुम भैंचोद को भैंचोद बोलोगे क्या? तो फिर ऐसा मत कीजिए सेन सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसमें नवाज की कोई गलती नहीं, गलती ये है कि इनका गॉडफादर थोड़ा बावरा है। देश को ऑस्कर दिलाने के लिए रियलिज्म में ऐसा घुस गया है कि फिल्म में गाली है कि गाली में फिल्म, इसका ध्यान ही नहीं रहा। बहुत लंबा सफर तय किया है सेंसर, इस फिल्म को सेंसर में मत फंसाओ सेंसर। और सर इंडस्ट्री को तो फिल्म फेयर से मतलब है ना, चाहे शाहरुख लाए या सलमान, लेकिन ये लड़का देश को ऑस्कर लाके दे सकता है। ये बेटे एक काम करो, तुम पहले चाय पकड़ लो। अबे रुक। सर लाएगा क्या चाय? सर ऑस्कर, सर ऑस्कर लाए। And one of the first people to undergo gender confirmation surgery. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Nawaz aur Vicky, Oscar to nahi jita paaye. लेकिन ताऊ जी के मुंह से सिर्फ एक शब्द में निकली उनकी ऑस्कर स्पीच। बैक बॉस रीके।
कोई और, और मैं बन गया कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश झा, अनुराग सिंह कश्यप नॉट फिट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए ना आए उससे क्या लेना देना, पसंद आए ना आए लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, शेयर करना जल्दी जल्दी करो।